Welcome back to our channel, College Tutor. If you are new here, please subscribe the channel and enjoy the video. Okay, so आज हम हमारा next unit और हमारा next topic लेने वाले हैं Sales of Goods Act 1930. तो ये act July 1st 1930 में force में आया था. Came into force on 1st July 1930. इस act में 66 sections हैं और ये act हर जगह एप्लीकेबल होता है इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कैसे बनता है सेल का कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स देखते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन सेक्शन 4(1) में डिफाइन किया गया है और ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, मतलब जहां पर द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, या तो वो कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है या फिर एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर की जाती है या फिर एग्री होता है कि ट्रांसफर किया जाएगा टू द बायर फॉर अ प्राइस. ठीक है, अब इसके एसेंशियल समझते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं. सबसे पहला एसेंशियल बात यह है कि यहाँ पर एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी ही चाहिए, मतलब एक सेलर और एक बायर तो होना ही चाहिए. तो हम कह सकते हैं मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, सेकेंड आता है जो यहाँ पर गुड्स बोला गया है, प्रॉपर्टी इन गुड्स. तो यहाँ पे जो गुड्स बोला गया डेफिनेशन में, वो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर है, उसी की बेसिस पे सारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. तो ये गुड्स जो है वो सिर्फ इंक्लूड करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टीज ही इंक्लूड होती है यहाँ पर, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. इसका मतलब ये है जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो वाले क्लेम्स होते हैं जिनके लिए हमको प्रूफ देना पड़ता है, या जो कि जैसे हम डेट एक चीज ऐसी है जिसमें एक कोई ना कोई एक्शन चाहिए उसको क्लेम करने के लिए. तो वो सारे क्लेम जिसके लिए कोई ना कोई एक्शन चाहिए उनको हम एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं, और मनी तो आप सबको पता ही है. तो ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता जब हम गुड्स बोलते हैं डेफिनेशन में. थर्ड एसेंशियल है कि यहां पर जो भी प्राइस पे होगा, यहाँ पे सेलर बायर को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी या एग्री कर रहा है फॉर अ प्राइस, तो जहां ये जो प्राइस है वो हमेशा मनी में ही पे किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर काइंड में कुछ पे नहीं होता. ठीक है, इन काइंड कुछ नहीं होगा, मनी ही पे करना होगा, ना ही कोई बार्टर सिस्टम होता है. बार्टर सिस्टम आई होप आप सब समझते हो कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रति चेंज हो रही है, जैसे कि वन बैग ऑफ वीट विद वन बैग ऑफ राइस, तो दोनों एक्सचेंज होते हैं तो बार्टर सिस्टम होता है. तो वहां पे ना कोई बार्टर सिस्टम चलता है ना कोई काइंड चलती है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस इन मनी में पे करना होता है. फोर्थ एसेंशियल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी पोजेशन, जो भी ओनरशिप है, जो भी रिस्क है, वो सब सेलर टू बायर ट्रांसफर किया जाता है. यहाँ पे सारे जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी होने चाहिए. सो ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और इसका सिक्स्थ पॉइंट है कि इट इंक्लूड्स बोथ द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल. इसका मतलब समझते हैं कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है. जो सेल होता है वो मोस्टली उसी टाइम किया जाता है, जैसे हम मार्केट में गए, हमें कुछ पसंद आया और हमने बायर एज अ बायर सेलर से वो चीज ले ली, तो वो उसी टाइम होती है. यहाँ पर उसी टाइम हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, वहीं पर हमारा रिस्क ट्रांसफर हो जाता है. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें फ्यूचर डेट पे वो चीज कंप्लीट होती है, तब हमें ओनरशिप, उस टाइम तक जब तक वो फ्यूचर डेट नहीं आ जाती हमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. तो एग्रीमेंट टू सेल हमेशा एक कंडीशन के ऊपर होता है कि जब वो कंडीशन पूरा होगा तभी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब उसका सेल माना जाएगा, तब तक हम उसको कोट करते हैं एग्रीमेंट टू सेल. इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या है सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस. तो ये है सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर अलॉन्ग विद द रिस्क. जैसे मैंने कहा कि उसी टाइम हमारे पे प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो जाती है एज वेल एज रिस्क. ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में यहां पर रिस्क
क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर नहीं हो रही अभी, तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होता। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे कंसिडरेशन मनी हो जाए या जो भी कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो पे की गई है, उसी टाइम पे कर दी चुकी है, हैज बीन पेड। बट यहाँ पर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, इज टू बी पेड एट सम फ्यूचर डेट। सेलर कैन स्यू द बायर, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का और बायर ने बोला कि मैं नहीं खरीद रहा, बल्कि उस गुड्स में कोई खराबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बायर कह रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू बाय इट, ठीक है, अब सेलर स्यू कर सकता है बायर को इन एनी केस लाइक दिस, ठीक है। बट यहां पर जो भी एग्रीव पार्टी होती है वो सिर्फ डैमेजेस के लिए ही स्यू कर सकती है, क्यों? क्योंकि यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो प्राइस के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस के लिए। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है गुड्स का, कुछ भी उसको डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे लायबिलिटी होती है बायर की, क्योंकि ओनरशिप और रिस्क सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम सेलर टू बायर। यहाँ पे अगर कोई भी लॉस होता है तो लायबिलिटी किसकी होगी? सेलर की, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ब्रीच ऑन दी पार्ट ऑफ सेलर, तो यहाँ पे बायर को डबल रेमेडी मिल जाती है, वो सेलर से भी खरीद रहा है, मतलब अपना जो भी डैमेज है वो ले रहा है, और उससे उस पार्टी से भी ले रहा है जिसको वो गुड्स सेल किए गए हो। समझ लीजिए कि ए ने बी से गुड्स दिए थे, ठीक है, लेकिन वो गुड्स एक्चुअली बी के थे ही नहीं, वो सी के थे, तो अब ए के पास राइट है, डबल रेमेडी कैसे हो गई, अब वो ए से भी लेगा और सी से भी अपना डैमेज लेगा। यहां पर क्या होता है, बायर की रेमेडी सिर्फ डैमेजेस तक के लिए होती है, जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सब समझ आया हो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। थैंक यू।